हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल खाना बिस्कुट ऑप्शन सेंटर। जैसे कि फ्रेंड आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम मेनली टू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला, आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी, अगर आपका नाम गलती है और कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहा हो तो क्या किया जाए। तो फ्रेंड यही दो टॉपिक पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड वीडियो को बने रहिए अंत तक, और साथ ही फ्रेंड आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि CBSE से रिलेटेड सारे क्यूरीज सॉल्व करेंगे। और साथ ही फ्रेंड आपको जो है टेलीग्राम में जुड़ने का मकसद है कि आपको PDF स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं कि आपका जो है अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वाई नहीं, मतलब क्यों नहीं हो रहा है डाउनलोड आपका। तो सबसे पहले एक मेरा व्यूअर्स का दिखा रहा हूँ आपको क्यों नहीं हो रहा है। फ्रेंड देखिए, उसका भी जो नाम है जैकी नाम है फ्रेंड उसका, उसका भी जब मैंने जो सीक्वेंस नंबर और पासपोर्ट डाल रहा हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा फ्रेंड। डाउनलोड का यहाँ पे जो कि हॉल टिकट का ऑप्शन रहता है, हॉल टिकट का ऑप्शन रहता है, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं फ्रेंड तो यहाँ प्रिंट और लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हो क्यों रहा है फ्रेंड। यहाँ पर जब देख रहे हैं फ्रेंड तो डिटेल बता रहा है डायरेक्ट, जब हम फॉर्म भरते हैं फ्रेंड उस समय भी इस तरह ही दिखाते हैं, जब खोलने के बाद भी हम लोग को इस तरह का ही देखना है। फ्रेंड का गलती क्या हो सकता है फ्रेंड, हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, या तो फॉर्म भरते हम समय गलती किए होंगे, फॉर्म को सबमिट ठीक से किए नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड, ये एक गलती हो सकता है, या थोड़ा देर बाद आपका कहीं हो सके डाउनलोड हो जाए। और क्या हो सकता है फ्रेंड कि अगर आपका इस तरह का हो रहा है तो आपको करना है क्या फ्रेंड, सिंपली आपको इसमें आना है, इस नंबर को मैंने बता दे रहा हूँ नंबर, ये जो हेल्प डेस्क नंबर है फ्रेंड 02261306248 को डायल कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। ये मेंशन डेस्क हेल्प डेस्क नंबर है, और यहाँ पर कॉल करके आप क्या बोलिए, सर मेरा ये इस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमको क्या करना होगा बता दीजिए, और वो हेल्प तो जरूर करेंगे। साथ ही फ्रेंड जो स्कूल जितना भी स्कूल का एग्जामिनेशन होता है, CBSE, KBS, NGU, वो सारे में जो है एक दिन पहले एग्जाम होने का एक दिन पहले शायद से ओपन कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड, कि आपका जो प्रॉब्लम है आप जाके सेंटर से चेक कर, जो है ठीक करवा लीजिए इसका, सेंटर CBSE का सेंटर से चेक करवा लीजिएगा। इस तरह का अगर ऑप्शन कोई भी आता है तो आपको मैं दे दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, और सबसे पहले तो आप जुड़े रहिएगा चैनल में, ठीक है फ्रेंड। और दूसरी खुशखबरी क्या है फ्रेंड, अभी तक आपका डाउनलोड नहीं हो रहा एडमिट कार्ड तो आपका जो होगा प्रॉब्लम क्या फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले ईमेल चेक कर लीजिए फ्रेंड, ईमेल चेक कर लीजिए, ईमेल में मैसेज आया होगा आपका, उसमें एडमिट का जो हो गया आईडी दिया होगा, आईडी, और आईडी किस तरह का फ्रेंड, आईडी मैंने एक्चुअली बना चुका है फिर भी बता रहा हूँ, आईडी मतलब होता है फ्रेंड, आईडी हो गया मतलब जो हो गया फ्रेंड CBSE इसमें जुड़ा होगा 1 2 3 4 कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया होंगे पहला होगा, और पासपोर्ट जो होगा उसका नीचे जस्ट नीचे होगा 248 जो भी पासवर्ड हो उसको कॉपी करके आपको सिंपली जो है फ्रेंड इसमें भर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यही दो मकसद से मैंने वीडियो बनाया था, आप टेलीग्राम में जुड़ जाएगा ताकि इसका सबका PDF मिल सके। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक रहता है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद।